मोदी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया था कि सारे फैसले उनके ऐतिहासिक होते, आप देख ही रहे परिणाम आपके सामने, कि एसएससी में 70,000 से ज्यादा वैकेंसी दी जाए, स्टूडेंट्स को दबा के नौकरी दी जाए, जिससे उनका आगे का रास्ता उनका भी साफ हो, आपका भी आगे का रास्ता साफ हो। तो वो कोई हवाबाजी नहीं थे, कोई जुमलेबाजी नहीं थी, ऐसा हमें वाकई में देखने को मिल रहा है। और अगले 8 से 9 महीने में सारे एग्जाम पूरे हो जाएंगे, अभी उनका रिजल्ट भी आना शुरू हो जाएगा, लोगों की ज्वाइनिंग भी शुरू हो जाएगी। अभी देखिए तो सीजीएल का 2-3 दिन पहले नोटिस आया था, जिसमें सीजीएल के फॉर्म भरने की डेट भी उन्होंने 5 दिन बढ़ाई, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि जो डिपार्टमेंट है, जो 30 डिपार्टमेंट एसएससी के अंदर आते हैं, वो अपनी जो है वैकेंसी अपडेट कर रहे हैं, वो वैकेंसी जो है एसएससी को बता रहे हैं, तो वैकेंसी टेंटेटिव वैकेंसी बढ़ रही है। ये जो अभी आपके सामने लिखा हुआ है टेंटेटिव वैकेंसी है, इनके और बढ़ने के चांसेस है। सीजीएल में इस समय 20,814 वैकेंसी है, जो है 2017 से मैं पढ़ा रहा हूँ, 2014 से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इतनी वैकेंसी कभी नहीं आई, और ये वन एंड फाइनल मौका है। ये जो मौका आपको मिला है ये दोबारा नहीं मिलने वाला, कम से कम अगले 3-4 सालों तक, तो इसको दबा के भुनाइए, ठीक है। जिनकी ग्रेजुएशन पूरी हो चुके वो तो कम से कम, जिनकी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई है, कुछ बच्चे हताश है कि सर 2024 वालों के लिए कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा। देखिए घड़े में ना चावल बहुत है, थोड़े बहुत निकल भी जाएंगे फिर भी जो है घड़े में बहुत सारे चावल बचे रहेंगे, तो आप परेशान मत हो बिल्कुल भी। सीएचएसएल में 2960 वैकेंसी है, कुछ स्टूडेंट नाराज हो रहे हैं कि सर 4-5 वैकेंसी तो आती है, ये 2960 क्यों ही रह गई है। एक्चुअली ये वैकेंसी पिछले साल से कम नहीं है, बल्कि पिछले साल से ज्यादा है। सीएचएसएल की जितनी वैकेंसी आती है उसमें ज्यादातर वैकेंसी जो है पोस्टल असिस्टेंट क्लर्क की होती है, वो सारी वैकेंसी तो सीजीएल में चली गई है, लगभग अभी 9500 के आसपास वैकेंसी, तो उन वैकेंसी को हटा के लगभग 3,000 वैकेंसी अगर सीएचएसएल के अदर डिपार्टमेंट में है, तो भी पिछले सालों के कंपैरिजन में ज्यादा एक अच्छा नंबर है, तो सीएचएसएल वाले स्टूडेंट के लिए भी मौका है। मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप सीजीएल का फॉर्म भर रहे हो तो सीएचएसएल का ना भरो, आपको जितना भी फॉर्म दिख रहा है सबका सब भरना है, एक नौकरी सिक्योर करनी ही है। एसआई सीपीओ में सब इंस्पेक्टर में 4300 वैकेंसी है, और एसएससी जीडी में तो खैर वैकेंसी हमेशा से ही ज्यादा आती नहीं है, 24,600 के आसपास इसमें वैकेंसी है। एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग 10th लेवल पे जो होता है इसमें 4682 वैकेंसी, ये थोड़ी सी अभी और बढ़ेंगी, और एसएससी स्टेनो में 2143 वैकेंसीज है, तो लगभग लगभग अगर यहीं पे देखूं तो 50,000 के आसपास वैकेंसी तो मुझे यहीं दिखाई दे रही है। टोटल 73,000 अप्रोक्स वैकेंसी हो चुकी है, और इनके अभी बढ़ने के और चांसेस है, ठीक। और ये जो सारे पेपर हैं दिसंबर से होना शुरू हो जाएंगे, और लगभग 7 से 8 महीने में सारे पेपर करवा लिए जाएंगे, 2021 के सेशन के लिए सारे एग्जाम हैं, तो सारे के सारे एग्जाम आपको एक तरफ से भरने हैं। 100-100 रुपए का मुंह मत करिए, सबको भर दीजिए, ठीक है, और मेहनत से आप, मैं सबका पेरेंट एग्जाम, सबके पिताजी एग्जाम सीजीएल है, सीजीएल को टारगेट रख के उसके सिलेबस उसके लेवल को ध्यान में रख के पढ़ाई करिए, तो आपको ये सारे जो है एग्जाम जो है आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे।